हम बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो रिजल्ट आया है उसे आप किस तरह से देख सकते हैं, उसका सर्टिफिकेट आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपको रिजल्ट देखने के लिए लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो सामने देख रही वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, जहां पर लिखा होगा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन। तो यहां पर ये चीज़ें देखने के बाद आप जब इसे नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे, इस वेबसाइट को, इस पेज को जब आप नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे, सरकाएंगे, खिसकाएंगे, तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कैंडिडेट रिजल्ट या एलिजिबिलिटी पैनल। तो यहाँ पर आप देखेंगे कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा, कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। 11 डिजिट ओनली होगा यहाँ पर, 11 डिजिट का जो नंबर होगा यहाँ पर आप डालेंगे। उसके बाद डे मंथ और ईयर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद जेंडर सिलेक्ट करेंगे और जो ये वेरिफिकेशन कोड है इसे यहाँ पर आप भरेंगे और सी रिजल्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका रिजल्ट जो है खुलकर आ जाएगा। यूपी ट्रिपल एससी पेट की हम बात कर रहे हैं, ये रिजल्ट आपके सामने खुलकर आ जाएगा। वहाँ पर आप अपना स्कोर जो है चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं किस तरह से अगर आप भूल चुके हैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर तो कैसे आप उसे पता करेंगे, यानी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे पता करेंगे। इसके लिए यहाँ इसे थोड़ा सा और नीचे की ओर खिसकाएंगे तो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो उसके अलावा व्यू एप्लीकेशन स्टेटस है, यहाँ से आप एप्लीकेशन स्टेटस को भी चेक कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे आप पता करेंगे। तो इसके लिए हम एक काम करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फिर से एक नया पेज ओपन होगा। यहाँ पर लिखा होगा कैंडिडेट का नाम, यहाँ पर अपना पूरा नाम डालेंगे और अपने पिताजी का पूरा नाम डालेंगे या फिर आपके हस्बैंड का पूरा नाम यहाँ पर आप भरेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना जो आपकी जो जन्मतिथि है, डे मंथ और ईयर सिलेक्ट करेंगे और जो ये वेरिफिकेशन कोड है इसे आप यहाँ पर भरेंगे। और इसे भरने के बाद जब आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका रजिस्ट्रेशन नंबर खुलकर आ जाएगा। और रजिस्ट्रेशन नंबर जब आपको पता चल जाएगा तो आप वहां से भी यूपी ट्रिपल एससी पेट का रिजल्ट देख सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट जरूर करिएगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद भी आया होगा तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। यूपी ट्रिपल एससी पेट से संबंधित बहुत सारे वीडियो इस चैनल पर आपको मिलेंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आपके मन में कोई भी कमेंट है यूपी ट्रिपल एससी पेट या अन्य किसी भी परीक्षा से संबंधित तो बेझिझक कमेंट करिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।